क्वेश्चन नंबर 7 इज ए ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ द 3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। हमें क्वेश्चन में बोला गया है एक ट्री है वो ब्रेक हो गया है और जो ब्रेकन पार्ट है उसका वो ग्राउंड के साथ टच है, तो ठीक है जहाँ से ये पेड़ की जड़ें हैं और जहाँ से ये ब्रेक हुआ है वहाँ तक हाइट है उसकी 4 मीटर, और जहाँ से ये टच हुआ है नीचे को और वहाँ जहाँ से ये स्टिच है जहाँ से ये पेड़ लगा है वहाँ उन दोनों का डिस्टेंस है 3 मीटर। इट मीन्स वो हमारा है बेस। लेट स्टार्ट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज ड्रॉ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल ड्रॉ किया, ट्री है हमारा बी से लेकर डी तक, ये यहाँ से ब्रेक हुआ है और इसका पार्ट जो है ग्राउंड के साथ टच है यानी कि पॉइंट सी, और यहाँ से यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है या इट मीन्स हाइट है उसकी 4 मीटर है और इन दोनों का डिस्टेंस हमें दे रखा है 3 मीटर। ये है हमारा बेस। तो लेट ए सी बी रिप्रेजेंट्स द ट्री बिफोर इट ब्रोकन एट द पॉइंट ऑफ सी। ठीक है, हमें ए सी बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ट्री को, और बिफोर ब्रोकन एट ए पॉइंट कौन सा है, ब्रोकन के बाद उसका पॉइंट कहाँ से टच हो रहा है, ये पॉइंट सी पे। तो सिंस ए बी इज इक्वल टू 4 मीटर बी सी इज इक्वल टू 3 मीटर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि हमें ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तभी हमारी एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री आएगी। तो हमारा ये क्या है, ए सी हाइपोटेन्यूज, क्योंकि राइट अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज। तो एच हमारा हाइपोटेन्यूज है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इट मीन्स ए बी किसका स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इज मीन 16, 3 × 3 यानी 3 का स्क्वायर आपका आगे 9। दोनों का मीटर जो है हमने कॉमन, इनकी यूनिट जो है कॉमन ले ली है तो हमने साइड में लिख लिया है मीटर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल दोनों को ऐड किए 25 मीटर। ए सी इज इक्वल 25 का हमने क्या निकालना है स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 5 का 25। तो 5 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 × 5। तो 5 × 5 इट मीन्स 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएंगे। तो हमारा इसी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 × 5। अब यहाँ पे ये आपका 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, इट मीन्स ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गए, स्क्वायर से स्क्वायर कट गए तो हमारा आ गया ए सी इज इक्वल टू 5 मीटर। तो एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू बी डी। एक्चुअल हाइट क्या है हमारा पॉइंट बी से लेकर डी तक। तो बी डी की हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए बी प्लस ए सी। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और ए बी की तो हमें बुक में ही दे रखी थी 4 मीटर ए बी एंड ए सी इज 5 मीटर। दोनों को ऐड किया तो हमारी एक्चुअल हाइट जो है फाइंड आउट हो गई, एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 9 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज सुंदरम ट्रेवल 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन 12 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ फाइंड हाउ फॉर ही नाउ फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। हमें क्वेश्चन में बोला गया है सुंदरम ट्रेवल कर रहा है 4 किलोमीटर किस साइड, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट के बाद वो 12 किलोमीटर टूवर्ड्स यानी कि वो नॉर्थ की साइड जा रहा है और 12 किलोमीटर डिस्टेंस जो कवर कर रहा है। अब हमें डिस्टेंस निकालना है उसका जो लास्ट जहाँ से वो चला था और जहाँ पे वो पहुँचा है उन दोनों का डिस्टेंस। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज ड्रॉ ए डायग्राम। हमने 4 की 4 साइड ड्रॉ कर ली है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन में बोला है गया है कि वो सुंदरम किस साइड चल रहा है, ईस्ट की ओर चल रहा है, कितना 5 किलोमीटर। फिर वो वहाँ से 5 किलोमीटर चलने के बाद 12 किलोमीटर कहाँ को जा रहा है, नॉर्थ की ओर। और अब हमें बोला गया है यहाँ और इसका जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। इट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि राइट एंगल बन रहा है और राइट एंगल की ऑपोजिट साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। तो सॉल्यूशन इज गिवन इन एंगल ए बी सी इज ए बी इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। हमने नेम दे दिए पॉइंट्स को, बी सी इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इट मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो वैल्यूज हमारे पास बी सी और ए बी की है तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। किलोमीटर यूनिट्स हमने कॉमन ले ली है, हमने 1 टाइम्स ही लिखनी है इन दोनों के बाद। ठीक है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल 25 5 5 का 5 8 5 का 25। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 12 का 144। इट मीन्स ये 12 का स्क्वायर है 140 और 4 दोनों की यूनिट्स किलोमीटर आ गई। तो ए सी इज इक्वल टू दोनों को ऐड किया तो हमारा आ गया 169। तो ए सी स्क्वायर
इज इक्वल टू 169। स्क्वायर रूट को हम जो है राइट हैंड साइड में ले गए तो ये स्क्वायर रूट यहाँ चला गया, फिर 169 का हमने क्या निकाला, स्क्वायर रूट निकालने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो हमारा 13 × 13 आ गया। तो स्क्वायर रूट 13 × 13, 13 × 13 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, इट मीन्स 13 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गए, तो ए सी इज इक्वल टू 13 किलोमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट इज 13 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट जो है यहाँ से इनका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है, यहाँ का डिस्टेंस है इनिशियल पॉइंट से लेकर जहाँ पर ये खड़ा है उसका जो डिस्टेंस है वो 13 किलोमीटर है। ठीक है।